कैंसलर एग्जाम कैंसलर एग्जाम कैंसलर एग्जाम कैंसलर एग्जाम। सो आई एम अ क्लास 12 सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर सीबीएसई ने अपना ये ऑर्डर वापस नहीं लिया तो हमारा एक साल वेस्ट होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन की बात करें तो इस साल के टेबुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 60,000 से ज्यादा बच्चे 95% एंड अबव स्कोर करेंगे, जो कि 2019 में जब पेपर्स कन्वेंशनली हुए थे तो सिर्फ 17,000 बच्चों ने स्कोर किया था। इसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिल रहा है, हमारा मेरिट लिस्ट में ऐसे कैसे नाम आएगा। सेकेंडली एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस बेस्ड के लिए जो बच्चे रेगुलर है उन्होंने ऑलरेडी 2 महीने हो गए उन्हें तैयारी करते हुए और हम अभी तक स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें अभी तक कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं दी गई कि आपके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। पहले उन्होंने कहा, फिर ऑल ऑफ अ सडन 17 दिन बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपके एग्जाम्स होंगे। ये कहाँ का जस्टिस है। अब्रॉड एडमिशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे फॉल सेमेस्टर सितंबर में शुरू हो जाता है और वहाँ उसके जो हमें सीबीएसई 12th का रिजल्ट है वो उससे पहले सबमिट करना होगा। बच्चों ने काफी ज्यादा एयरलाइन टिकट्स पे और जो भी उनका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लगा है और वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो हम 3 वेज होते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने। जब प्राइम मिनिस्टर ने हमारे एग्जाम मतलब कैंसिल किए नहीं थे, कैंसिल कर दिए थे 12th वालों के, रेगुलर वालों के, उन्होंने खुद कहा था कि फास्ट पहले जरूरी है, तो फिर सीबीएसई में कैसे हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का सोच रहे हैं। उन्होंने कह दिया क्योंकि सरकार की जितना टाइम इंपॉर्टेंट है कहते हैं 1 मिनट इंपॉर्टेंट है, हम ऑफिस में कोई वर्क के लिए जाए तो कहते हैं 1 मिनट जरूरी है, काम नहीं करते। क्या उन्हें हमारा साल जरूरी नहीं लगता, एक साल बर्बाद हो जाएगा हमारा, हमें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। सरकार अगर इसकी जिम्मेदारी लेती कि हमें एडमिशन मिले तो वो हम और कोविड भी 3rd वेव आने वाली है, उसका भी रिस्क है, कोविड की 3rd वेव आने वाली है, इसमें हम फिर एक्सेप्ट करेंगे। रेगुलर वालों की तो एडमिशन ले लेंगे, कॉलेजेस को ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, लेकिन हमारा क्या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और हमारे एग्जाम्स कैंसिल। आप चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने रेगुलर स्कूल बच्चों के कैंसिल कर दिए उसी तरह से आप लोगों के भी कैंसिल होने चाहिए, कैंसिल कर दिया जाए और हमें प्रमोट करें।